चलिए आज जो है हम लोग कंप्यूटर में एमएस ऑफिस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, एमएस विंडो खत्म किए हैं इसे पिछले क्लास में, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं एमएस ऑफिस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि एमएस ऑफिस होता क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये खत्म किया है और अब जो चलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है क्या क्या होता है उसका डेफिनेशन जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर है, कितना सॉफ्टवेयर हम लोग को पढ़ना है, कौन से सॉफ्टवेयर कहाँ पर उसका यूज होगा, कौन से सॉफ्टवेयर से हम लोग कोई भी काम करेंगे, डाटा एंट्री कैसे करेंगे, ये सारा चीज करेंगे। डीसीए का जो है मेन पार्ट आप लोग का जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होता है। ये चार सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है और ये चार सॉफ्टवेयर जो है डीसीए का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमएस ऑफिस प्रोग्राम होता क्या है। एमएस ऑफिस जो है इसका डेफिनेशन कर देते हैं। देखिए आप एमएस ऑफिस इज ए कंप्लीट ऑफिस मैनेजमेंट पैकेज करा है। एमएस ऑफिस जो है वह कम्प्लीटली जो है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप किसी भी बैंक में है, किसी भी कार्यालय में है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पर डाटा एंट्री होता था, डाटा एंट्री आप कैसे करेंगे वो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर से ही मैनेजमेंट किया जाता है। आगे जानते हैं, देखिए देयर आर मेनी फीचर अवेलेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर करा है। इसमें जो है मतलब कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो इसमें जोड़ा गया है, लाइक एमएस वर्ड को जोड़ा गया है, एमएस एक्सेल को जोड़ा गया है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, इतना सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस में होता है। अब जानते हैं हम लोग कि एमएस वर्ड प्रोग्राम से क्या होता है। वी यूज एमएस वर्ड इन सिंपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एज रिज्यूम लेटर एडीसी करा है कि हम लोग जो है एमएस वर्ड प्रोग्राम से जो है हम लोग सिंपल जो डॉक्यूमेंट होता है बायोडाटा रिज्यूम कैरिकुलम बैक यदि अदर कोई भी लेटर है उसको हम लोग वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बना सकते हैं। इसी प्रकार की मैथमेटिकल वर्ड और एमएस एक्सेल प्रोग्राम के उपयोग से जो है हम लोग कोई भी मैथमेटिकल टास्क को कर सकते हैं, मैथमेटिकल वर्क को कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन होता क्या है समझिए, प्रेजेंटेशन जो है जैसे कि आप लोग कहीं मीटिंग में जाते हैं वहाँ पर जो है आप लोग को एक प्रोजेक्टर द्वारा जो है आप लोग को प्रोजेक्टर द्वारा जो है आप लोग को वहाँ पर दिखाया जाता है, कोई भी चीज़ का एड दिखाया जाता है वो प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद है और एमएस एक्सेस प्रोग्राम यूजफुल क्रिएट एनी डाटाबेस,
और एमएस एक्सेस प्रोग्राम के उपयोग से जो है हम लोग किसी भी प्रकार का डाटाबेस जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस होता क्या, डाटाबेस में जैसे कि आपका फॉर्म हो गया, रिपोर्ट हो गया, क्वेरी हो गया, इटीसी, जितने भी फॉर्म से संबंधित काम होता है वो एमएस एक्सेस प्रोग्राम से होता है। अब हम लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में कितने पार्ट है, पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, देयर आर फोर पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जो है चार प्रकार के पार्ट है, चार गो पार्ट है। कौन कौन सा है यहाँ पे, एक में है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस, ठीक है। अब जो है हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड प्रोग्राम के बारे में, कि एमएस वर्ड प्रोग्राम क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट एज रिज्यूम, बायोडाटा, कैरिकुलम है, ईटीसी। इट इज वेरी गुड फीचर विच अलाउ यूजर टू मेंटेन द ऑल फॉर्मेट, कह रहा है कि इसमें जो है हम लोग किसी भी प्रकार का बायोडाटा हो, रिज्यूम हो, कैरिकुलम है, हो किसी भी फॉर्मेट में बना करके मेंटेन करके रख सकते हैं, सेव करके, ठीक है। फिर आगे जानते हैं करा है, यहाँ से समझ लें। इट्स एक्सटर्नल नेम ऑफ एमएस वर्ड इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो एक्सटर्नल नेम होता है वो हमारा एमएस वर्ड होता है। एंड एक्सटेंशन नेम ऑफ विन वर्ड, और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो हमारा विन वर्ड होता है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं फीचर ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में जो है उसका फीचर क्या है, उसका क्या क्या वर्क है, कौन सा चीज इंपोर्टेंट है उसमें वो जानते हैं। फीचर ऑफ present which make user our work more easy, कह रहा है MS Word एक ऐसा फीचर है जिसके उपयोग से जो है
यूजर जो है हमारा कोई भी वर्ड जो है बहुत ही आसानी से कर लेता है और इसमें जो भी काम है उसके वर्ड से कर लेता है। और वर्ड में जानते हैं कि पावर ऑफ फ्यूचर इसका क्या है। पहला फीचर है स्क्रीनशॉट एंड टेबल फीचर। इसमें जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जैसे प्रकार मोबाइल में स्क्रीनशॉट करते हैं, और इसमें टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ब्लैंक पेज है उस पर आपको टेबल क्रिएट करना है, तो आप जो है इस टाइप का जो टेबल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये टेबल कहलाता है, इस टाइप का टेबल भी हम लोग वहां जो है क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जानते हैं फॉर्मूला फॉर सिंपल मैथ टास्क। इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है जो आप लोग खुद से बना सकते हैं, और कोई भी मैथमेटिकल वर्ड को जो है आप वहां पर कर सकते हैं उसके माध्यम से। तीसरा पॉइंट जानते हैं मेलबॉज एंड माइक्रो फीचर। मेलबॉज और माइक्रो फीचर क्या है, इससे जो है हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वह डॉक्यूमेंट को एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं या फैक्स कर सकते हैं, समझ गए। चौथा पॉइंट है स्पेशल अबाउट वेरी टॉपिक। इसमें कुछ टॉपिक होता है जिससे हम लोग स्पेशल इफेक्ट स्पेशल डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ पे लिखाते हैं आप लोगों को पांचवा पॉइंट में है लार्ज डाटा स्टोर कैपेसिटी एंड डॉक्यूमेंट सेटअप करा है। इसमें जो है आप एकदम बड़े से बड़े डाटा को इसे बना के आप स्टोरेज कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का साइज जो है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस का प्रोग्राम है जो है मतलब हम लोग बताए जाने हैं, इतना चीज जान गए हैं एमएस ऑफिस क्या है, पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड के बारे में जाने हैं, फीचर ऑफ एमएस वर्ड के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे ओपनिंग स्क्रीन ऑफ एमएस वर्ड और उसका मेनू और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे।